धन्यवाद। और आज हम वो चीज जरूर दिखाना चाहेंगे कि जिस पे ये है कि एमएसपी है, थी और रहेगी, तो जो असली सच्चाई है भारत सरकार की वो बिल्कुल आपको दिखा देना चाहिए कि जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा, एक साल से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनकी डिमांड है कि 3 काले कानून वापसी हो जाएं और एमएसपी पर गारंटी कानून बन जाए जो पूरे देश को लाभ हो, तो वो क्यों लाभ नहीं होना चाहता, क्यों एमएसपी पर कानून नहीं बनाने देना चाहते? क्योंकि जो सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार है और उद्योगपति सस्ते में माल को लूटते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आप देखोगे हम जो उत्तर प्रदेश से हरियाणा को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, जो केएमपी है उस पर हम हैं, और ये देखोगे कि किस तरह से ट्रक, ये पूरे ट्रक जो मिलर्स हैं ये उनके हैं, सस्ते में खरीद करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, अलग अलग स्टेट्स हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये अपने वहां पर उसको सस्ते में खरीद कर लेकर जाते हैं। अभी जो इसका रेट चल रहा 1100 से 1200 रुपये में खरीदते हैं, बिहार में 800 से 900 रुपये में खरीदते हैं। ये देखोगे पूरे के पूरे ट्रक भरे खड़े हुए हैं ये, और इसलिए कीमतें नहीं बढ़ेगी कि सस्ते में लूट बंद हो जाएगी, उनको एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा। तो पुराने लोग कहते थे कि भाई जो ये पार्टी है रे, ये बड़े सरमाएदारों की पार्टी है, इनसे बच के रहना, ये अगर गांव में आ गई तो ये लूट का काम करेंगे आपका। और आज वही काम हो रहा है, इसीलिए भारत सरकार एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाना चाहती। ये पूरा आप देखोगे, दिखाना भाई एक बार, ये और नहीं जो और पीछे भी खड़े हैं ना, ये पीछे देखो जो खड़े, जो पीछे गाड़ियों के पीछे भी जो खड़े हुए वे भी भरे खड़े, और कम से कम 2000 से ज्यादा ट्रक एक रास्ते से निकलते हैं। हाँ, 2000 से ज्यादा ट्रक ये एक रास्ते से निकलते हैं। जो ये सारी चीजें हैं तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर ये आंदोलन और मजबूती से नहीं लड़ा जाएगा तो बाजरे का किसान बाजरा सस्ते में बेचेगा, मक्की का किसान मक्का बेचेगा, गेहूं का किसान गेहूं बेचेगा, आलू का किसान सस्ते में आलू बेचेगा, और जो दूध की पॉलिसी आ रही है दूध का किसान भी सस्ते में बेचेगा, उसके भी पशुधन खत्म होंगे। तो इस आंदोलन को मजबूती से, इस आंदोलन को चलवाओ, और आप लगे हुए हो बहुत मजबूती के साथ में, देश का किसान लगा हुआ है, क्योंकि एक साल तक देश का किसान जिस हिसाब से आंदोलन चला रहा है, खबरें आपकी नहीं दिखाई जाएंगी टीवी चैनल, जो कर्नाटक में आंदोलन होगा, जो तमिलनाडु में आंदोलन होगा, जो आसाम में आंदोलन हो रहा है तो वे दिखाएंगे नहीं। आसाम में भी एक टाइम पे वहाँ पे किसान थे वे, लेकिन उनकी धीरे धीरे ज़मीनें खरीद दी गई, बड़ी कंपनियां वहां पे आई, और जो चाय के बागान आज बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं, और जो किसान थे वे पूर्ण रूप से वहां पे मजदूर बने। यही हाल आप अगर महाराष्ट्र में जाओगे तो धानू की साइड में जहां पे चीकू के खेती होती है, यही हाल उनका है, और उनका चीकू 4 से 5 रुपए किलो बिकता है, क्या यहां पे आपको मिलता है? यही हाल हिमाचल के सेब का है। अब सेल का सीजन खत्म होगा सेब का, तो उसकी कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें, आंदोलन पर ध्यान दें। हम हाँसी जा रहे हैं, अभी जो भी अपडेट होगी आपको हाँसी पहुँच कर बताएंगे। हमारा 2 दिन का प्रोग्राम उसी साइड का है, कल 9 मेमरी की उसकी मीटिंग है, कल सिंघू बॉर्डर पे, कल उसमें शामिल होंगे आते हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।